हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल फोकस ऑन टारगेट रिचा मैम। आज हम बात करेंगे ऑक्सीमोरन के बारे में, इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे, साथ में इसके एग्जांपल भी समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ऑक्सीमोरन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स अपोजिट मीनिंग इन वन सेंटेंस। ऑक्सीमोरन में दो शब्दों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है जो अपोजिट होते हैं और वो भी एक ही सेंटेंस में होते हैं। समझ में, दो अपोजिट वर्ड एक साथ दिए जाएंगे एक सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का अर्थ होता है विरोधाभास, यानी कि दो विरोधी शब्द ओके एक साथ होना। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहते हैं, द बॉय इज रेगुलरली इररेगुलर। लड़का क्या है, रेगुलरली होता है नियमित, और इररेगुलर मतलब अनियमित। तो लड़का कैसा है, लगातार नियमित और अनियमित है, ठीक है। आगे देखते हैं, दो अपोजिट वर्ड हो गए, ही लेड ए लाइफ ऑफ एक्टिव आइडियलनेस। अब एक्टिव भी है और आइडियलनेस भी है, एक्टिव होता है सक्रिय और आइडियलनेस मतलब लेजी यानी कि निष्क्रिय। ओके तो ये क्या हो गए, दो अपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। नथिंग होता है कुछ नहीं और ऑल होता है सब कुछ, क्लियर। नेक्स्ट है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। स्वीटेस्ट मतलब मधुर और सैडेस्ट मतलब दुखी। तो दो अपोजिट वर्ड एक साथ हो गए, तो इन सभी सेंटेंस में जो भी एग्जांपल दी गई इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ऑक्सीमोरन। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मोर हैस्ट द लेस स्पीड। मोर बहुत अधिक और लेस कम स्पीड। ओके, लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर क्या है, कड़वा, और स्वीट मतलब मधुर मीठा, है ना। तो ये क्या हो गए, दो अपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट है, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। वाइजेस्ट होता है बुद्धिमान और फूल होता है मूर्ख, क्लियर। नेक्स्ट है, ओ हैवी लाइटनेस सीरियस वैनिटी। लाइटनेस मतलब हल्का, सीरियस मतलब गंभीर, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दो अपोजिट वर्ड हो गए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ऑक्सीमोरन क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में एक साथ दिए जाते हैं जिनमें विरोध प्रकट होता है, क्लियर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है, वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस के बारे में जानेंगे। एंटीथेसिस भी बिल्कुल ऑक्सीमोरन की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको समझने की जरूरत है। तो ध्यान दें, एंटीथेसिस इज लाइक ऑक्सीमोरन की तरह ही होता है, विरोधाभास होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द एग्जैक्ट अपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर कन्वेड। इसमें दो अपोजिट आइडियाज के बारे में बात होगी। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड्स की बात हो रही थी, यहाँ पर आइडियाज की बात होगी, क्लियर। एग्जाम्पल्स देखते हैं, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। या तो मुझे लिबर्टी दे दो या मुझे मृत्यु दे दो, डेथ दे दो, या तो स्वतंत्रता दे दो या मृत्यु दे दो। दो अपोजिट आइडिया हो गए, क्लियर। नेक्स्ट है, पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स। होप्स और फियर दो क्या हो गए, अपोजिट आइडियाज हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज ब्यूटीफुल स्पीच कन्वेड अगली थॉट्स। ब्यूटीफुल स्पीच और अगली थॉट, दो अपोजिट विचार हो गए, क्या हो गए, उसके जो ब्यूटीफुल स्पीच भाषण है वो अगली थॉट्स को कन्वे करता किया, मतलब ठीक है। तो ये अगली होना और ब्यूटीफुल होना दो अलग विचार हो गए। थ्री इयर्स शी ग्रो इन सन एंड सॉवर। तीन साल लगे उसे धूप और बौछार यानी कि पानी बरसात में बड़े होने में। तो ये क्या हो गए, अलग विचार हो गए, ठीक है। वो एक ही सेंटेंस में दे दिए जाते लेकिन इनका मीनिंग अलग होता है। इनोसेंट लाइक ए फाउन बट कनिंग लाइक ए फॉक्स। इनोसेंट है वह किसके समान, फाउन की तरह, लेकिन कनिंग है किसके समान, इसकी तरह, फॉक्स की तरह, क्लियर। तो ये दो अपोजिट आइडियाज हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। बोलना क्या होता है, सिल्वर होता है, लेकिन साइलेंस यानी शांत रहना गोल्ड होता है, गोल्डन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो अपोजिट आइडियाज। मैनी आर कॉल्ड, कई को बुलाया गया, बट फ्यू आर चूजन, लेकिन कुछ को ही
चुना गया, तो मैनी भी दिया गया, फ्यू भी दिया गया, लेकिन विचार अलग अलग दिए गए। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, सबको क्या दिए गए, गिव कान दिए गए लेकिन कुछ को वॉइस दी गई, ठीक है। फ्यू भी है, गिव भी है और आइडियाज भी है, क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ऑक्सीमोरन एंटीथीसिस में क्या डिफरेंस होता है। ऑक्सीमोरन होता है जिसमें दो अपोजिट वर्ड एक साथ होते हैं, लेकिन एंटीथीसिस में दो आइडियाज एक साथ अपोजिट दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।